रोमन रेंस अब WWE में पार्ट टाइमर आने वाले हैं, मतलब अब रोमन रेंस के साथ सबसे बड़ा खेल हो गया है और फिन बैलर जितने बड़े सुपरस्टार का WWE से सफर खत्म होने वाला है। रोमन रेंस की अब WWE में तो एक नंबर की बेइज्जती होने वाली है। आपको याद होगा जब भी रोमन रेंस का मैच जॉन सीना के साथ हुआ तो रोमन रेंस ने हमेशा जॉन सीना को यही कहा कि तुम एक पार्ट टाइमर हो जो कभी कभी WWE में आता है और इसलिए तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। पर अब तो पूरा खेल ही बदल गया है क्योंकि रोमन रेंस के नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब वो WWE में कभी कभी आएंगे, मतलब कि वो भी अब एक पार्ट टाइमर बन गए हैं। तो इस बात पे तो रोमन रेंस की बेइज्जती होनी ही चाहिए क्योंकि रोमन रेंस ने कहा है कि अगर कोई सुपरस्टार WWE में कभी कभी आता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। अगली खबर है फिन बैलर की, क्योंकि फिन बैलर एक बड़े सुपरस्टार है और इसके बावजूद उन्हें कोई बड़ा मैच नहीं मिल रहा। तो इस बात की वजह ये बताई जा रही है कि फिन बैलर को अगर WWE कोई बड़ा मैच देती है तो फिन बैलर उसका प्रमोशन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे और अगर कुछ समय तक और ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि फिन बैलर को WWE से जाना भी पड़े। WWE की हर खबर के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।